हरियाणा के जींद जिले से हैरान कर देने वाली वारदात सामने आई है, जहां गांव रटौली में लगभग 2 महीने पहले हुई व्यक्ति की संदिग्ध मौत के मामले में मंगलवार को परिजन एसपी कार्यालय पहुंचे और आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर जबरदस्त प्रदर्शन किया। इसके बाद मृतक के परिजन एसपी सुमित कुमार से मिले और न्याय की गुहार लगाते हुए मामले की जांच सीआईए को सौंपने की मांग की। इसके बाद ही मृतक की मां ने एसपी कार्यालय के बाहर ही खुद पर पेट्रोल छिड़क कर आत्मदाह करने का प्रयास किया, जिस पर पुलिस प्रवक्ता अमित खर्ब ने तत्परता दिखाते हुए उससे पेट्रोल की बोतल छीन ली। इसके बाद गुस्साए परिजनों ने जबरदस्त हंगामा कर दिया। आपको बता दें कि 25 जून को रटौली गांव में राकेश नाम के युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। इस मामले में अभी तक किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। अब मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी ने मामले की जांच सीआईए को सौंप दी है और परिजनों को निष्पक्ष जांच का आश्वासन देकर वापस भेज दिया है। जींद से अमनदीप पिलानिया, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।